लंबे समय से अपनी सेवाएं पुलिस विभाग में दे रहे अधिकारी और कर्मचारियों का रिटायरमेंट हो गया है, उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर पुलिस कप्तान अमित सांगी मौजूद रहे, उन्होंने इनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सुरेंद्र कुमार द्विवेदी, उप निरीक्षक ग्रीस कुमार तिवारी, कार्यवाहक एवं सहायक उप निरीक्षक बलराम अहरवार, कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक मोहन लाल रजक, प्रधान आरक्षक, इनका रिटायरमेंट हुआ है। इन्हें साल श्रीफल भेंट करते हुए भावभीनी विदाई दी गई और साथ ही ये कहा गया कि कभी भी इनको जरूरत पड़ेगी तो विभाग इनके लिए हमेशा तत्पर रहेगा और इनके साथ खड़ा रहेगा। और आप अपने समय में आपको जो सेकेंडरी चालू हुई है, जो काम आप नौकरी में नहीं कर पाए, अपना भ्रमण करने का, अपना धार्मिक जाने का, लोगों के गाली गाना और खुशी और दम में जाने का, कई बार लोग इसमें नहीं जा पाते, उसके लिए भाई मिले आप चावल में कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी है अपना स्वास्थ्य, उसका ध्यान रखिएगा क्योंकि वही काम आता है, बाकी तो सब चीज़ें चलती हैं। और सेवानिवृत्त होने के बाद बाकी पुलिस की फैमिली रहती है, कभी भी आपको कोई भी जरूरत हो तो आप आइए। और अपने जो आपके ड्यूज हैं उसके लिए मेरे ऑफिस में मैं कहीं भी नहीं वो करता कि आदमी को भटकना पड़े। आप सारे बाबू काम में इनका सबका पीपीओ जीपीओ सब हो गया, मतलब कभी इसमें दे दिया बड़ा खराब लगता है, ठीक है। तो जैसा बड़े लोग बता रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि सब आपके लीव एंकेशमेंट ये है, ग्रेचुटी हो गया, तो आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और ये हमारी कामना है, कभी भी कोई भी काम हो, कमिश्नर साहब है, सभी लोग बैठे हैं, हमेशा आपकी बात को हम प्राथमिकता देंगे। ईश्वर से ही प्रार्थना है आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे।